नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में एक और नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है थ्रेड्स। आज हम थ्रेड्स की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो थ्रेड क्या होता है? इट इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोसेस। थ्रेड डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में एग्जीक्यूशन का एक रास्ता होता है और एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। थ्रेड को हम लाइटवेट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। एक प्रोसेस जो होता है उसे मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग किसी भी प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को एक टाइम पर एक से ज्यादा यूजर्स या किसी एक यूजर द्वारा की गई एक से ज्यादा रिक्वेस्ट को मैनेज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। हर एक यूजर जो है जब किसी प्रोग्राम या सिस्टम सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो प्रोग्राम को थ्रेड के तौर पर सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स में डिफरेंट थ्रेड्स हो सकते हैं। इसी तरह MS Word मल्टीपल थ्रेड्स को यूज करता है, जैसे कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए एक थ्रेड होता है, इनपुट्स को प्रोसेस करने के लिए एक अलग थ्रेड होता है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। प्रोसेस और थ्रेड में एक प्राइमरी डिफरेंस ये है कि एक ही प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स हैं वो शेयर मेमोरी स्पेस में रन होते हैं, जबकि प्रोसेसेस अलग मेमोरी स्पेस में रन होते हैं। थ्रेड्स जो हैं वो प्रोसेसेस की तरह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो एज ए रिजल्ट थ्रेड्स अदर थ्रेड्स के साथ अपने कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस जैसे कि फाइल्स एंड सिग्नल्स के साथ शेयर करते हैं। पर प्रोसेस की तरह थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट और स्टैक स्पेस होता है। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड ओवर प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। यदि किसी प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड किया जाता है और जब कोई थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो आउटपुट है उसे इमीडिएटली रिटर्न किया जाता है। देन नेक्स्ट इज फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विच। एज कंपेयर्ड टू प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच, थ्रेड्स के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को CPU से अधिक ओवरहेड की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? किसी एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करके दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट की प्रोसेस को लोड करने की प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाती है। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। यदि हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो हम मल्टीपल प्रोसेसर में मल्टीपल थ्रेड्स को शेड्यूल कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक कोड, डेटा एंड फाइल्स को प्रोसेस के बीच डिफरेंट थ्रेड्स में शेयर किया जा सकता है। एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्टैक और रजिस्टर को थ्रेड के बीच शेयर नहीं किया जा सकता। हर एक थ्रेड का अपना स्टैक होता है और रजिस्टर होता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज कम्युनिकेशन। मल्टीपल थ्रेड्स के बीच कम्युनिकेशन आसान होता है क्योंकि जो थ्रेड्स हैं वो कॉमन एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं, जबकि प्रोसेस में दो प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्निक की आवश्यकता होती है। एंड देन लास्ट इज एनहांस्ड थ्रोपुट ऑफ द सिस्टम। जब किसी प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है तो हर एक थ्रेड फंक्शन जो है वो एक जॉब को कंसिडर करता है, तो इससे क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में जॉब्स कंप्लीट होने की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो इसके इंक्रीज होने पर जो सिस्टम की थ्रोपुट है यानी कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड जो है वो प्रोसेस के बीच में एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम होती है। थ्रेड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रोसेस की तरह सेम होती है, इसलिए उन्हें लाइटवेट प्रोसेसेस कहा जाता है। थ्रेड्स को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है,
जब ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पैरेलल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हर एक थ्रेड की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट, स्टैक स्पेस, सिमिलैरिटीज बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस। अब हम देखेंगे कि थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सेम होती हैं। एक टाइम में केवल एक थ्रेड और प्रोसेस एक्टिव होते हैं। विद इन प्रोसेस बोथ एग्जीक्यूट सिक्वेंशियल, प्रोसेस के बीच दोनों सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। एंड देन लास्ट इज बोथ कैन क्रिएट चिल्ड्रन। बेसिकली दो टाइप्स के थ्रेड होते हैं, जिसमें फर्स्ट है यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड को यूजर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर लेवल थ्रेड को कोई पहचान नहीं पाता। इसे हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका जो कंटेक्स्ट स्विच का टाइम होता है वो बहुत कम होता है। और इसके अलावा यूजर लेवल थ्रेड को थ्रेड लाइब्रेरी के द्वारा मैनेज किया जाता है। थ्रेड लाइब्रेरी में थ्रेड्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने, थ्रेड्स के बीच मैसेज और डेटा पास करने, थ्रेड्स की शेड्यूलिंग और इसके कंटेक्स्ट को सेव और रिस्टोर करने के लिए कोड प्रोवाइड होते हैं। और यूजर लेवल की एडवांटेज ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किए जा सकते हैं। और इसके अलावा यूजर लेवल थ्रेड को क्रिएट करना और मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। और इसके अलावा इसकी डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी एक थ्रेड के ब्लॉक हो जाने पर आगे कोई थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती। द नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेड इज कर्नल लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड जो है उसे कर्नल द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें कोई थ्रेड लाइब्रेरी नहीं होती। इट मीन्स कि ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्टेड होती है। एज कम्पेयर टू यूजर लेवल थ्रेड्स ये स्लो होते हैं, मतलब कि इन्हें क्रिएट करना और मैनेज करना स्लो होता है। कर्नल लेवल थ्रेड की एडवांटेज ये है कि ये किसी सेम प्रोसेस के लिए मल्टीपल थ्रेड्स को शेड्यूल या एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसके अलावा ये किसी थ्रेड के ब्लॉक हो जाने पर कर्नल द्वारा दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसकी डिसएडवांटेज जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कर्नल लेवल थ्रेड्स यूजर लेवल थ्रेड्स की तुलना में स्लो होते हैं, मतलब कि इन्हें क्रिएट और मैनेज करना स्लो होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।